गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज बनाकर दिखाएंगे मिर्ची पकौड़ा और गर्मा गर्म चाय के साथ। सर्दी के टाइम बहुत मज़ा आता है और चटपटा स्टफिंग के साथ। देखिए, मैं यहाँ पर बड़े वाले जो मिर्ची है वो ले लिया और बीज से मैं कट कर रही हूँ। अंदर का जो बीज है वो निकाल, सब मिर्ची का अंदर का जो बीज वो निकाल लूँगी। देखिए, पूरे मिर्ची का मैंने अंदर का बीज निकाल लिया। अभी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं बॉयल आलू ले रही हूँ। बॉयल आलू को मैं मैश करूँगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल, जीरा, सौंफ, थोड़ा सा फ्राई होने बाद मैं यहाँ पर हींग डालूंगी। फिर यहाँ पर मैं मसाला डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी आलू को डाल दूँगी। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद मैं अभी इसमें डालूंगी 1 स्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर में चटपटा जो खट्टे खट्टे स्वाद आता है ना, बहुत टेस्ट लगते हैं। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। स्टफिंग बनकर रेडी। अभी मैं बेसन का घोल बनाऊंगी। हाफ बाउल मैंने बेसन ले लिया, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और पानी डालकर एक मोटा सा घोल बनाऊंगी बेसन का। पतला नहीं होना चाहिए। देखिए, एक मोटा सा बेसन का घोल बना लिया। तो मिर्ची के अंदर आलू का जो स्टफिंग है वो एकदम ठूस ठूस कर भरना है। जितना आप आलू का स्टफिंग भरेंगे उसका स्वाद उतना अच्छा आएगा। स्टफिंग पूरा मिर्ची में भर कर रेडी हो गए। अभी बेसन का जो घोल है उसमें डिप करूंगी और गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करूंगी। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, क्योंकि जल जाएगा तो अंदर का जो आलू का स्टफिंग मिर्ची वो अच्छे से नहीं पकेगा। तो मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है। मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़ कीजिए। दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गए, मैं अभी उठा लूंगी। बन के रेडी मिर्ची पकौड़ा या मिर्ची वड़ा, जो भी बोलिए, बहुत ही टेस्ट लगता है। बरसात के दिन और सर्दी के दिन के इसका टेस्ट जो और ज़्यादा आता है गर्मा गर्म चाय के साथ। आप भी बनाएं, एंजॉय कीजिए।